वीआईपी काम हो रहा है जनाब बीआरटी रेड लाइन के ऊपर। बीआरटी रेड लाइन का एक बड़ा रूट निकाल दिया गया है, अब उस रूट के ऊपर स्टेशन बनाने का काम भी चल रहा है और रोड बनाने का अमल भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये सड़क सिर्फ और सिर्फ बीआरटी रेड लाइन के लिए मुख्तस की जाएगी। 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, बसें भी आ जाएंगी और बसों के लिए डिपो के ऊपर भी काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कराची का सबसे बड़ा मंसूबा जो कि बीआरटी रेड लाइन का, यहाँ पर रोड डालने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। बीआरटी रेड लाइन का मंसूबा जैसे कराची वाले बड़े परेशान थे, खासकर यूनिवर्सिटी रोड से जितना भी ट्रैफिक जाता है ये सारे के सारे लोग परेशान थे, क्योंकि सबसे बड़ा मंसूबा शुरू होने की वजह से ये ट्रैफिक सारा मुतासर हुआ है। बड़ा तंग हो गए हैं लोग, क्योंकि जब भी इस तरह के मंसूबे शुरू होते हैं शहरियों को बड़ी अजियत का सामना करना पड़ता है। गुलिस्तान जौहर में चले जाएँ, अंडरपास बन रहा है, ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, वहाँ पर भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। क्योंकि देखिए, जब तरक्याती काम होते हैं तो एक तरफ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वजह ये है कि आपके पास रोड इतने बड़े हैं नहीं, तो जो छोटे छोटे रोड होते हैं उसी से गुजारा करना पड़ता है और बीच में जो है वो तरक्याती काम होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे काम तेज़ी के साथ किया जा रहा है, रोड डालने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ब्लॉक डाल दिए गए हैं और बीआरटी रेड लाइन का एक बड़ा रूट निकाल दिया गया है, अब उस रूट के ऊपर स्टेशन बनाने का काम भी चल रहा है और रोड बनाने का अमल भी जो है वो शुरू कर दिया गया है, जो कि मलिर मॉडल कॉलोनी से शुरू हुआ है सफारी पार्क तक मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर जो है वो रोड डालने का अमल जो है वो शुरू हुआ है, जिसमें रूलर अभी चल रहा है और रेती बजरी डालने का अमल मुकम्मल हो गया है। अब इसको रूलर से जो है वो सीधा किया जा रहा है, फिर इसके ऊपर रेती बजरी डालेंगे और फिर रूलर चलाया जाएगा और ऐसे ओवरऑल फिर दामड़ बिछाने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। इससे पहले के अमल के बारे में बात करूं तो जितनी भी जो ये फाइबर की लाइनें थी, टेलीफोन की जो तारें थी या के इलेक्ट्रिक की तारें थी या SSDC की लाइनें थी या फिर के इलेक्ट्रिक वालों की जितनी भी जो लाइनें थी, इस पूरे रूट से अलग कर दिया है। राइट साइड की तरफ उसका एक अलग रूट बना दिया है जहाँ से तारे वारे बिछाने का काम जो है वो उन्होंने कंप्लीट किया और ये जो रूट है इसमें अब आपको ये रूट पूरा मुकम्मल खाली हो चुका है और ये सड़क सिर्फ और सिर्फ बीआरटी रेड लाइन के लिए मुख्तस की जाएगी, जहाँ पर एक रेड कलर की जो बसें वो हमें यहाँ से इस रूट पर देखने को नज़र आएगी, जो मॉडल कॉलोनी से शुरू होगी और नुमाइश पर जाकर इख्तिताम हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि रूलर वगैरह का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ये सामने शेख जाहिद यूनिवर्सिटी के पास बोर की 2 बड़ी मशीन लगी हुई है, एक्सक्यूवेटर मशीनें अलग लगी हुई है, रूलर मशीनें अलग लगी हुई है और रोड को बनाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये भेड़ियों के पंजों वाली मशीन, ये इतना प्रेस करती है मिट्टी को, इतना प्रेस करती है कि आप बड़ी ट्रैफिक यहाँ से गुजार सकते हैं। अब ये सामने की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ, ये पूरी की पूरी जो मशीन है ये यहाँ पर जो है वो काम कर रही है और सामने की तरफ रोड देखें आप पूरा मुकम्मल, इस तरफ अगर आप देखें ये रोड पूरा कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ पर रूलर चलाने का अमल जो है वो जारी है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये बड़ी हैवी मशीन होती है, इसके साइड पे अगर आप देखें ये रूलर, ये जो आप देख रहे हैं ये एक रोलर है और एक जो है वो दूसरी मशीन है, भेड़ियों के पंजे वाली मशीन कहते हैं इसको आम जबान में। तो पहले ये वाली मशीन जो है वो प्रेस करती है मिट्टी को, उसके बाद ये वाली जो मशीन है ये मशीन जो है वो इतना प्रेस करती है कि ठोस कर देती है, पत्थर बना देती है। तो सामने की तरफ अगर आप देखें ये पूरा रोड इस वक्त जो है वो कंप्लीट हो गया है समझ लें। फिर दामट डालने का अमल शुरू किया जाएगा और रोड जो है यहाँ मुकम्मल हो जाएगा, बाकी मशीन यहाँ पे काम कर रही है। देखें ये होगा मेन बीआरटी का रूट, जहाँ से आना और जाना दोनों बसें करेंगी। शेख जाहिद यूनिवर्सिटी का स्टेशन यहाँ बने कंप्लीट होने वाला है, उसकी जो ज़मीन के ज़ेर ज़मीन जो काम थे वो मुकम्मल कर लिए हैं, अब एक स्टेशन की शक्ल निकालनी है। बाकी 3 मशीनें जो है लगी हुई हैं, 2 बोर की मशीनें हैं जो ज़मीन को जो है वो बोर करती है, एक क्रेन लगी हुई है, बाकी एक्सक्यूवेटर मशीन है, ग्रेडर है, रोलर है और भेड़िए वाले पंजे वाली मशीन भी है। वीआईपी काम हो रहा है जनाब बीआरटी रेड लाइन के ऊपर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी ज़मीन को जो है वो प्रेस किया जा रहा है ताकि ये ज़मीन जो है वो मुकम्मल तौर पर बैठ जाए।
जी इस जगह पर जो कि शेख जायद यूनिवर्सिटी के साथ ही एक एलिवेटेड यू टर्न बनाया जा रहा है ताकि बसों के गुजरने के लिए भी कोई परेशानी ना हो, लोकल ट्रांसपोर्ट वाले चूँकि एक बहुत बड़ा रूट है यूनिवर्सिटी रूट तो उन लोगों को ज़्यादा आगे जाना ना पड़े, इसलिए मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर यू टर्न बनाया जा रहा है ताकि लोग जो है वो BRT रेड लाइन के ऊपर से क्रॉस करते हुए यू टर्न से वापसी अपने रूट की तरफ आ जाए और ये जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो। बाकी रोड बनाने का काम चल रहा है, मेरे पीछे अगर आप देखें ये ग्रेडर इस वक्त जो है यहाँ पे काम कर रहा है, अभी रेती डाल के गए और रेती डालने के बाद ये ग्रेडर जो है इस रेत को बिल्कुल सीधा कर रहा है और उसके बाद फिर रूलर मजीद इसके ऊपर चलाया जाएगा, जो कि मैंने आपको कहा मॉडल कॉलोनी से लेकर सफारी पार्क तक रोड डालने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। अभी राइट साइड की तरफ मेरे सर्विस रोड की तरफ जो है वो काम चल रहा है, सॉइल टेस्टिंग का अमल किया जा रहा है क्योंकि रेत के ऊपर ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कितना वज़न जो है वो ये रेत और ये ज़मीन जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो सॉइल टेस्टिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद फिर उसके बाद पिलर डालने का अमल शुरू किया जाएगा और फिर रोड बनाया जाएगा, पुल की सूरत में जो है ये यू टर्न बनाया जाएगा ताकि शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बाकी ओवरऑल BRT रेड लाइन का जो मंसूबा है वो तकरीबन 26 किलोमीटर का मंसूबा है जो मॉडल कॉलोनी से शुरू होकर नुमाइश पर जाकर इख्तिताम हो जाएगा, जो तकरीबन 25 से 26 इसके स्टेशन बनाए जाएंगे, 4-5 स्टेशन ऑलरेडी ज़ेरे तामीर हैं, 2 अंडर पासिस के ऊपर काम चल रहा है, रेस कोर्स अंडर पास है, टीपू सुल्तान अंडर पास है, ओवरऑल अंडर पासिस भी देखे जाएंगे, ओवरहेड ब्रिज के ज़रिए BRT रेड लाइन की जो बसें वो जाती हुई नज़र आएंगी और जहाँ जहाँ जो रूट है उसको जो है वो उसकी पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन इसका पूरा तैयार कर लिया गया है, जहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बनाने उसकी पूरी प्लानिंग है, अंडर पासिस से जानी है, ओवरहेड से जानी है, रोड निकालना है, पूरा ज़बरदस्त और VIP काम होने जा रहा है। तो BRT रेड लाइन के ऊपर जो है वो काम तेज़ी के साथ चल रहा है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। देखें अभी इंतज़ामिया काम कर रही है, उनका ये कहना था कि आप लोगों को असिस्ट करें, गाइड करें कि जी आप थोड़ा सा तआवुन करें इंतज़ामिया के साथ, क्योंकि इंतज़ामिया भी नहीं चाहती कि आवाम परेशान हो, लेकिन जब काम करते हैं तो जाहिर है एक रूट चाहिए होता है तो जिसकी वजह से जो है रूट छोटा होता है और लोग जो है वो परेशान होते हैं और वो गालियाँ भी देते हैं। तो उनका ये कहना है कि जी इंतज़ामिया के साथ तआवुन करें, जल्द से जल्द काम निपटाने की कोशिश की जा रही है ताकि आवाम को भी मुश्किलात का सामना ना हो और इंतज़ामिया भी अपना काम जो है वो वक्त पर मुकम्मल कर ले। 2 से 2.5 साल के अंदर ये मंसूबा इंशाल्लाह तकमील के आखिरी मराइल में होगा, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है उम्मीद यही की जा रही है कि 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, बसें भी आ जाएंगी और बसों के लिए डिपो के ऊपर भी काम चल रहा है, डिपो के लिए राजी भी दे दी गई है, लांडी में इसका पूरा स्टेशन बनाया जाएगा, बायोगैस के ऊपर भी काम चल रहा है ताकि बसों को गैस की मुंतकली जो है वो की जाए और गैस की जो सप्लाई है और गैस को जो बनाना है वो इसी भैंसों के गोबर से एक बायोगैस जो है वो बनाई जाएगी जो बसों में मुंतकिल की जाएगी और बसों को जो है वो पूरा आलूदगी से पाक जो ये माहौल दोस्त जो बसें वो इंशाल्लाह इस रूट के ऊपर आपको देखने को नज़र आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।